हे एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही चटपटे नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही कम टाइम में बनाकर आप रेडी कर लेंगे। और ऊपर से ये देखिए एक रेसिपी बनता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट सा बनकर रेडी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखा दे रही हूँ, इसका टेक्सचर कितना प्यारा आया है, बहुत ही सॉफ्ट सा और ऊपर से क्रिस्पी बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। और मैं बनाऊँगी इसे दो कच्चे आलू और चावल के आटे से मैं बनाऊँगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड्स ये नाश्ता। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के आलू मैं छील के ऊपर का छिलका हटा करके रखी हूँ। तो इसको आपको कद्दूकस कर लेना है और यहाँ पे थोड़ा सा पानी हम ले लेंगे ताकि आलू जब मैं कद्दूकस करूँ तो उस काला नहीं पड़े। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से मैं कद्दूकस कर ली हूँ दोनों आलू को और इसको अच्छे से हम धो करके और पानी इसको इसमें से निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक कप यहाँ पे है और उसके बाद यहाँ पे दो हरी मिर्च यहाँ पे कटिंग करके यहाँ पे डाली हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे हरी धनिया कटिंग करके डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे एक से दो चम्मच यहाँ पे दही डाल देंगे और साबुत जीरा डालेंगे थोड़ा सा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और लेमन जूस यहाँ पे डालेंगे। इससे बहुत ही चटपटा नाश्ता बनके रेडी हो जाता है फ्रेंड्स। और अब हम डालेंगे आधा कप यहाँ पे चावल का आटा, आप चाहें तो सूजी भी ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हैं। तो हम एक कप एक कटोरी में ली थी चावल का आटा, तो उसी कटोरी से मैं पानी इसमें ऐड करूँगी। तो इसको अच्छे से सभी को अच्छे से इसमें मिक्स करके आपको एक अच्छे से इसमें घोल जैसा बनाना है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं ना अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो चुका है और इसमें तो आपको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको चलाना है अच्छी तरीके से ताकि इसमें लंग्स नहीं पड़े। और फिर से थोड़ा सा मैं पानी और ऐड कर दी हूँ, ये गाढ़ा दिख रहा था। उसके बाद ये रेडी हो चुका है। तो अब हम चलेंगे गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैं एक पैन ले ली हूँ और एक दो चम्मच करीब मैं यहाँ पे डाली हूँ ऑयल। तो यहाँ पे देखिए गर्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे डालेंगे आधी छोटी चम्मच कलौंजी यानी काला जीरा। तो इसको अच्छे से हम भून लेंगे और लो फ्लेम यहाँ पे करेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी ये जल जाता है। और जो मैं घोल बना कर रेडी की थी ना वो मैं इसमें डाल दूँगी और आपको इसको लगातार चलाते रहना है। ये तब तक चलाना जब तक ये बाइंड ना हो जाए अच्छे तरीके से और पैन ना छोड़ दे। तो इसको हम अच्छे तरीके से चला लेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा, ये थोड़ा सा ही ऑयल इसमें डाली थी और ये जब ये बाइंड हो जाएगा ना फ्रेंड्स तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा ये पैन में। तो ऐसे ही करके हम चलाते जाएंगे फ्रेंड्स और बहुत ही प्यारा सा खुशबू आ रहा है इसमें से। और ये फ्रेंड्स ये नाश्ता बहुत ही झटपट में बन के आप रेडी कर लेंगे, बहुत ही और हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी भी बनता है ये नाश्ता। और बच्चों को बहुत ही पसंद ये आता है और बड़ों को भी बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में, टेस्टी भी बहुत है। तो इसको देखिए हम लगातार इसको चलाते जाएंगे और ये बाइंड हो चुका है। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम मैं की थी ताकि अच्छे से ये पक जाए। तो ये लगभग पक ही गया है, बस एक से दो मिनट तक हम और चला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी, ये पक चुका है। और उसके बाद यहाँ पे थाली में पहले से ही ऑयल लगा करके इसमें डाल दी थी ताकि चिपके नहीं और इसको हम ठंडा होने तक वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हल्का हल्का गर्म है, तो फिर मैं हाथ में तेल लगा करके ऑयल लगा करके इसको मसल ली हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से ये हो गया है। तो फिर से मैं यहाँ पे ऑयल लगा ली हूँ और आपको टिक्की जैसा बनाना है। तो यहाँ पे आपको राउंड शेप करके आपको टिक्की जैसे बनाते हैं ना वैसे आपको बनाना है और आपको मोटी नहीं बनानी है, बस अच्छे से इसको दबाते हुए अच्छी तरीके से आपको बनानी है टिक्की ताकि अंदर से जब मैं फ्राई करूँ तो पक जाए, अंदर से कच्चा ना रहे। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा ये बन के रेडी हुआ है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। मैं फिर से दोबारा मैं आपको दिखा दे रही हूँ बना करके। आपको टिक्की बनानी है एकदम बिल्कुल मोटी नहीं बनानी है, मीडियम में बनानी है, मीडियम साइज़ में। तो ये देखिए कैसे मैं बनाई हूँ, उसी तरीके से आप बनाइएगा बहुत ही अच्छा से। तो ये देखिए एक एक करके मैंने सारे टिक्किया बनाकर रेडी कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे पहले से ही ऑयल गरम करने के लिए रख दी थी और यहाँ पे मैं चेक की थी ताकि ये गरम हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए गरम हो चुका है। तो आप एक एक करके यहाँ पे डाल दीजिए, बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो जा रहा है फ्रेंड्स, हो जाता है। तो आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर स्लो फ्राई कर रही हूँ।
और ये देखिए थोड़ा सा ये आपको मतलब हल्का गर्म तेल में नहीं डालनी, नहीं तो ये चिपक जाएगा तो फिर ये टूट जाएगा। आपको पूरा ऑयल को गर्म करने के बाद ही आप डालिएगा तो ये अच्छे से फ्राई होगा। तो आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन होने तक हो गया है, मतलब कितना अच्छा कलर इसमें आ चुका है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है बन के ये बना हुआ है। तो थोड़ा मैं और पका लूँगी, ऐसे आपको पलटते रहना है और छोड़नी नहीं है, बस एक दो मिनट पे आपको पलटते रहना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से ये पक चुका है, तो अब हमें इसको निकालेंगे। थोड़ा मैं और पका लूँगी इसको, तो ये देखिए अच्छे से ये पक चुका है, तो यहाँ पे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। और ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा हल्का फुल्का एकदम बहुत बढ़िया नाश्ता बन के रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। तो मैं आप चलिए सर्व कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ सर्व करके। तो यहाँ पे देखिए मैं सर्व की हूँ, और आप हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के भी साथ खा सकते हैं, और ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, ये ऊपर से क्रिस्पी लगता है मतलब बनता है, और अंदर से ये देखिए सॉफ्ट सा बन के रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं ना इसका टेक्सचर कितना प्यारा आया है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।